गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ अ पोइम द फ्ली बाई जॉन डन सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पोइम है इसका कॉन्टेक्स क्या है किस कॉन्टेक्सट में पोइट्स जो है वो बात कर रहा है पोइम जो है वो बेसिकली लिखी गई थी एक पीसफुल डेकेट के अंदर कोई अलिजब के रेन के अंदर बिकॉज क्वीन अलिजब जो थी वो एक अनमेरिड वुमेन थी एंड एट द टाइम वाज एट इट्स पीक ड्यू टू हर बीइंग एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल पावर पोइम जो है वो तकरीबन लिखी गई थी नाइनटी फिफ्टीन नाइन्टीज़ के पीरियड के अंदर इसकी जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो करेक्ट कहीं पर भी नहीं लिखी गई अनोन है और ये पोइम जो है वो उस वक्त लिखी गई थी जब लव पोइम्स और जो सोनेट्स थे एलिस्थन इरा के अंदर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और ये आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि पोइम जो है वो बेसिकली बेस करती है एक रेनेसेंस बिलीफ के ऊपर जिसमें कहा जाता है कि द सेक्स द ब्लड ऑफ द टू पार्टनर्स मिंगल्ड इन ईच अदर्स बॉडी ठीक है उसके बाद हमने डिस्कस करना है इसकी क्रिटिकल अप्रिसशन के अंदर कॉन्टेक्स डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है फॉर्म क्या है इस पोइम की uh, जो आपका uh, है पोइट उसकी टोन क्या है पोइम की सेटिंग क्या है किस सेटिंग में लिखी गई है पोइम जो है वो क्यों लिखी गई है इस पोइम के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि अगर वेदर इट इज़ लव पोइम तो वाईड इज इट लव पोइम मेन आइडिया क्या है फिर इसमें मर्डर की बात की है पोईम पोइट के थ्रू ट्रिपल मर्डर फिर थीम है इसमें लॉस ऑफ जस्टिस सिंबल्स काफ़ी सारे यूज़ किए हैं बॉयड ने इस पोइम के अंदर और लास्ट पर नॉवलीस हम जो है वो डिस्कस करेंगे क्रिटिकल कमेंट्स विद द क्रिटिक्स आइडियाज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर पोइम द फ्ली बाय जॉन डन चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्टेक्स के ये पोइम जो है वो किस कॉन्टेक्स में लिखी गई थी डन वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेटाफिज़िकल पोइट सबसे ज़्यादा जो है वो मेटाफिज़िकल पोइट में नंबर वन पर जो है वो डन का नाम आता है इसका अपना इसके रिलीजन के साथ और सेक्स रिलेशन्स के साथ इसका अपना जो इन्फ्लुएंस uh, है uh, वो नज़र आता है इसके काफ़ी सारे वर्क के अंदर अगर uh, हम साइकोलॉजिकल इनालिस करें या फिर हम uh, एक रियलिज़म देखें सेक्सुअल इसके वर्क के अंदर तो इसकी जो पोइटिक स्टाइल है उसकी डेवलपमेंट भी इसके थ्रू ही होती है कि वो एक सोसाइटी के अंदर रहने वाले जो मैसेज हैं उनका जो है वो साइकोलॉजिकल एनालिसिस कैसे करता है वो एक्स को कैसे देखता है सोसाइटी के अंदर एंड दिस पोइम वाज रिटर्न वैन लव पोइम्स मैंने जैसे पहले भी बताया कि लव पोएस थे वो देर इमेंसली पॉपुलर अमंग द पीपल स्पेसिफिकली इन क्वीन एलिजब इन इरा इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन आन नोन है ड्यूरिंग द रूल ऑफ क्वीन एलिजब द फ्ली फोकस ऑन डांस कैपेसिटी फॉर एरोगेंस एंड मिजोगी इसकी पोइट्री जो है आज की सोसाइटी की जो क्रूड है उसके बारे में सोसाइटी इज नॉट बिलीविंग इन रिलीजन इन गॉड इन टेम्पल इन चर्च दे आर मिस यूजिंग देयर देयर बिलीफ्स इसके बारे में है उसके बाद हमारे पास फार्म क्या है इस पोएम की दिस पोइम आल्टरनेट्स मेट्रिकली बिटवीन लाइन्स इन आय्बिक मीटर एंड लाइन्स इन आयिक टेट्रामीटर पहले देखेंगे तो आपको जो है वो नजर आएंगे इसके अंदर तीन कपलेट्स ठीक है उसके बाद हमें हमारे पास जो इसका पैटर्न है वो टोटली चेंज हो जाता है ठीक है राम स्कीम में पहले आपको तीन कपलेट नज़र आएंगे उसके बाद ते, 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 डेड सेट नज़र आता है ठीक है आइम्बिक जो है वो हमारे पास इसका स्ट्रेस पैटर्न होगा जो पेंटामीटर होगा और उसके बाद टेट्रामीटर पेंटामीटर भी मतलब हमारे पास जो मीटर होगा या जो हमारे पास टोटल सेलेबल है वो हमारे पास होंगे दस और उससे बच जाएगी हमारे पास पाँच फीट पाँच फीट बन जाएंगे और पाँच फीट से हमारे पास बन जाएगा पेंटा मीटर ठीक है क्योंकि एक मीटर के अंदर हमारे पास दो जो है वो होते हैं फुट ठीक है और टेट्रा भी हमारे पास हो जाते हैं आठ आठ जो सेलेबल और चार हमारे पास हो जाएंगे फुट और स्ट्रेस पैटर्न जो होगा वो हमारे पास फोर टू फाइव होगा पैटर्न जिसमें एंडिंग विद टू पेंटामीटर लाइन्स एट ईच ऑफ स्टेंसा हर स्टैंडा के आखिर में जो दो लाइन्स होगी उनमें जो होगा वो हमारे पास पैटर्न होगा पेंटामीटर राम स्कीम हमारे पास होगी जैसे मैंने बताया कि ये तीन हमारे पास कंप्लीट होंगे ए बी बी सी और सी डी और फिर उसके बाद हमारे पास होगा डी 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 पैटर्न चेंज हो जाएगा इन ईच स्टैंडा इज सिमिलरली रेगुलर ठीक है थ्री राइब थ्री राइबिंग इनकम्पलीट पहले हमारे पास आते हैं ट्यून क्या है ट्यून आल्सो रिलाइज और रिलीजियस इमेजरी टू वो वर्जिन वर्जिनिटी को वो करना ठीक है रिलीजियस इमेजरी है स्पेसिफिकली देर आर कॉमैलिटीज टू होली ट्रैनिटी टू रिगार्ड टू मैन वुमेन एंड फ्ली ठीक है और के होली जो आ, ट्रेनिटी है जो रिलीजन है वो वुमेन को मैन को उफली को कॉमन जो है वो मानता है एक ही जगह में रखता है बाय यूजिंग सिंसेअर मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन इज़ सिंपली सेंसीयर मोड ऑफ एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए वो uh, सिर्फ uh, जो है वो तनकीद कर रहा है एक रवायती तरीके से जो लव पोइम्स लिखी जाती हैं उनके ऊपर सेटिंग क्या है द फ्ली डज नाट गिव इट्स रीडर्स मच एक्सक्लिस इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सेटिंग क्या आप इसकी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो टेक्स्ट पे आपको कहीं नज़र नहीं आएगा कि इसकी सेटिंग क्या है वेदर दे आर ट्रीज और और द एटमोस्फेयर इज ग्लोमी और सन इस तरह की चीज़ें आपको कोई नज़र नहीं आएगी इन द पोईम द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेस इज मज़ इस पोईम के अंदर जो स्पीकर है वो डायरेक्ट एड्रेस कर रहा बात कर रहा है अपनी मिस्टर से और उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है फ्ली जो है वो एक बहुत बड़ी डिस्कशन का हिस्सा है और दोनों स्पीकर इससे पता चल रहा है कि जो स्पीकर है और जो उसकी मिस्टर है उनके दरम्यान में एक ऑलरेडी से एक हिस्ट्री है ऑलरेडी से वो एक दूसरे को जानते हैं ज़्यादा ब्रोडर सेंस में देखें तो हम कहेंगे आ, एक ऐसे सेट के अंदर ये एक ऐसे कॉन्टेक्स के अंदर इसको सेट किया गया है कि जहाँ पर जो आ, सोशल नोम्स हैं जो रिवायतें हैं समाजी रिवायतें या मशरती जो कानून वापते हैं और जो टैबूज हैं सराउंडिंग सेक्शुअल रेडिस इंग्लैंड के अंदर रेडिस पीरियड के दौरान वो क्या है और उस टाइम पीरियड के अंदर जो वुमेंस थी उनको जो है वो प्रेशराइज किया जाता था दैट दे दे मस्ट हैव टू प्रिजर्व देयर वर्जिनिटी अटिल अटिल दे गॉट मैरिड उसके बाद हमारे पास है कि पोइम स्पेसिफिकली है किस चीज़ के बारे में द द फ्ली इज एन इरोटिक मेटाफिजिकल पोइम या सिडक्शन की पोइम है इरोटिक का मतलब होता है टू सड्यूस ठीक है द पोईम यूजेज द कॉन्सीट ऑफ अ फ्ली का कॉन्सीट यूज़ किया है पोइम के अंदर विच हेज़ सक ब्लड फ्राम द मेल स्पीकर एंड दैन द फीमेल लवर फी मेल स्पीकर से और फिर फीमेल लवर से जो है वो ब्लड शक करती है और वो एक इसे फिर यूज़ किया गया है एक एक्सटेंडेड मेडफर के तौर पर टू शो द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर एंड हिज मिस्ट्रेस फ्ली जो है वो सिम्बल uh, है पोइट के एक पैशनेट लव का फिज़िकल और सेंशुअस लव के लिए इट uh, इस इसने दो लवर्स के जो ब्लड है उसका यूनियन किया है फ्ली uh, ने जो है uh, 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 जो लवर है वो कहता है कि फ़िली ने मेरी बिलाव का जो ब्लड uh, है uh, उसके यूनियन को एंजॉय किया है विदाउट विदाउट टेकिंग एनी कोर्टशिप और मैरिज बगैर शादी के दिस इज़ नाट कंसीडर्ड एज अ मैटर ऑफ सिन और शेम और लॉस ऑफ उसने कहा कि फ़्ली के लिए ये uh, ख्याल नहीं किया जाता कि ये एक गुनाह का मामला है शर्मिंदगी का है या उससे उसकी पारसाइक हो गई है द फ्ली सुपीरियर वो कहता है कि मुझसे तो ज़्यादा अफजल ज़्यादा बेहतर फ़्ली है क्योंकि वो तुम्हारे साथ फिज़िकल यूनियन को विदाउट फॉर्मेलिटी ऑफ मैरिज या कोर्टशिप जो है वो इंजॉय कर सकती है उसके बाद हमारे पास टेक्स है फुल टेक्स मैंने यहाँ पे ऐड किया है फ़्ली का आप यहाँ से पढ़ सकते हैं काफ़ी सारे जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर यूज़ किए हैं पोइट ने सक्ट फ्ली फ्ली को बार बार यूज़ किया है फिर एलिट्रेशन यूज़ की है ठीक है इसके अंदर कंसीट यूज़ किया है फ्ली का मेटाफर्स भी काफ़ी सारे यूज़ किए हैं ठीक है उसके बाद है डिवेलपमेंट ऑफ आइडियाज दिस एंटरटेनिंग लिटल एंड इंटरेस्टिंग पोईम फ्ली फिर हमारे जो डन है उसके मेटाफिज़िकल पोइम की योरा को जाहिर करती है कि वो किस तरह से एक ऐसी पिक्चर जो कि अनएक्सपेक्टेड है अनकॉमन है अनफेमिलियर है अनलाइकली है उसको इलेबोरेट कर देता है और बना देता है उससे लव और सेंटिमेंट्स उसके बाद अपो ने ट्रिपल मर्डर को डिस्क्राइब किया है इस पोएम के अंदर वो एक स्टेप आगे जाता है और अपनी जो फ्ली है उसको जो है वो कंपेयर करता है एक टेंपल के साथ और एक मैरिज बेड के साथ जैसे कि दो लवर्स जो होते हैं वो एक टेंपल के अंदर एक मैरिज के बोर्ड के अंदर जाकर यूनाइट होते हैं लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि हमारे दोनों का जो ब्लड है वो फ्ली की बॉडी में जाता है तो उसकी बॉडी जो है वो एक मुक़ंद टेम्पल है जहाँ पर उन दोनों की शादी हुई है इसी तरह वो कहता है कि उनका ब्लड जो है वो फ्ली की बॉडी के अंदर मिक्स हो गया है तो फ्ली जो है वो उनके लिए एक मैरिज बेड की तरह है अब वो कहता है कि क्योंकि फ्ली की बॉडी के अंदर जो है उनका ब्लड मिक्स हो जा हो चुका है वो कहता है कि अगरचा जो है वो उसकी मिलाविड है उसने ऑब्जेक्ट किया था टू तो गेट मैरिड विद हिम लेकिन और उसके पेरेंट्स का भी ग्रज था उसके अगेंस्ट लेकिन जो फ्ली है उसने उसका साथ दिया है उसने कहा कि अगर वो फ्ली को किल कर देगी तो ये ट्रिपल बर्डर हो जाएगा कि वो अपने आप को भी मर्डर करेगी मर्डर ऑफ द लवर्स एंड हर ओन मर्डर एंड और उस, उसने फिर यहाँ पर अगेन उसने बात की रिलीजन की कि ये एक गुना होगा और उसको जो है वो फ्ली को माफ कर देना चाहिए नेक्स्ट हमारे पास सिम्बल को से यूज़ की है सबसे पहला सिम्बल यूज़ किया है ब्लड का uh, पूरी पोइम के अंदर स्पीकर जो है Uh, वो सेंसिवली मेडिटेट uh, करता है और द ब्लड इनसाइड द फ्ली के अंदर जो ब्लड है उसके बारे में सोचता है कि ब्लड दैट स्टार्टेड आउट इन टू सेपरेट बॉडीज एंड इज ना ब्लड मेड ऑफ टू अब उसने कहा कि दो डिफरेंट बॉडीज़ के अंदर जो ब्लड था अब वो एक ब्लड बन चुका है दो बॉडीज़ का मिलकर एक के अंदर अगेन उसने कहा कि ब्लड इन साइड द फ्ली दर्व एज अ सिम्बल फॉर सेक्स इट सेल्फ सिमिलरली बिकॉज द ब्लड विद इन द फ्ली जो कि फ्ली है जो कि बग है uh, उसको भी हम कह सकते हैं कि वो एक सिम्बल है सेक्स का इंटीमेट रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल आर ऑफर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ब्लड लाइक uh, like, uh, अगर आपके जो करीबी रिश्ते होते हैं वो हमेशा खून के मतलब जो ब्लड के से रिलेटेड जो होते हैं ब्लड रिलेशन जो होते हैं वो, वो दिखाए जाते हैं जैसे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं फरेस्ट और ओफर डिस्क्राइब्स हैविंग ब्लड टाइज अगर यहाँ पर ब्लड का वो सिंबल यूज़ किया तो उसका मतलब वो ये कह रहा है कि माइंड ब्लड एंड योर ब्लड गोट mixed and mingled in the body of a flea and then uh, and now we have uh, uh, relationship with each other we have blood ties with each other the blood that mixes in the flea's body uh, serves as a symbol uh, uh, of bond, uh, bond of marriage uh, for the lover and his beloved अब यहाँ पर स्पीकर जो है वो जस्टिफाई कर रहा है दैट डे बोर्ड दैट मैरिड आर हम जो है अब शादी शुदा हो चुके हैं ब्लड जो है उस दर्व एज सेम्बोलिक रोल इन द दोइम सब जो है वो एसोसिएट आल ऑफ आर एसोसिएटेड सेक्शुअलिटी लॉस ऑफ वर्जिनिटी एंटीमेसी एंड दैन अ कंपनीज सेक्शुअलिटी उसके बाद मैरिज बेड का सिंबल यूज़ किया है जब स्पीकर जो है अनाउंस करता है कि फ्ली जो है वो मैरिज बेड है इसका मतलब वो लिटरली इसके बारे में बात नहीं कर रहा ही जस्ट यूजिंग द फ्ली एज अ सिंबल एज अ काइंड ऑफ सेक्स जो कि कन्फाइन करता है कन्फाइज करता है मैरिज को उस मैरिज बैड को यूज़ किया है एज अ एज ए सेक्स आउटसाइड मैरिज स्पीकर जो है वो डिस्शन बताता है दोनों के दरमियान में uh, वो बताता है कि मैरिज की अथॉरिटी क्या होती है चर्च uh, में जाते हैं चर्च लाइसेंस देता है फिर आप जाकर एक पाइस प्रोजेक्ट के थ्रू मैरिज करते हैं मैरिज टेम्पल मैरिज टैंपल जो है वो इट इज़ अ सिम्बल ऑफ़ मैरिज इट बिकॉज इट इज अ पावर और लेसन्स ऑफ मैरिज जब स्पीकर जो है वो फ्ली की बॉडी को डिस्क्राइब करता है कि मैरिज टेम्पल है uh, तो वो ही द प्लेस वेयर मैरिज हैपज तो वो उस जगह के बारे में बता रहा है जहाँ पर शादी होती है और इसके ज़रिए वो रिलीजियस अथॉरिटीज़ के बारे में भी बताता है कि ऐसे लगता है कि जैसे वो बस कह रहा है कि वो और उसकी जो मिस्ट्रिस है उनको किसी भी ट्रेडिशनल स्पेस की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर ऐसी जगह की जरूरत है जहाँ पर शादियाँ होती है और ऐसी पावर्स की ज़रूरत नहीं होती जिनके पास अथॉरिटी होती है कि वो ट्रडिशनली शादी करवा सके क्योंकि हमारे पास फ्ली है जो जिस जो हमारी ट्रडिशनली शादी करवा सकती है वो हमारा टेंपल है वो हमारा मैरिज पैन है उसके बाद उसने कहा कि पेरेंट का ग्रह जो पेरेंट का गुस्सा है स्पीकर uh, जो है वो इस बात को एक्नोलेज करता है कि उसकी मिस्ट्रेस जो है उसके पेरेंट्स जो है वो मेरे खिलाफ़ गुस्सा रखते हैं और उसका जो वो जो कोशिश कर रहा है उनकी डाटर को परसुएट करने की उसके खिलाफ भी रीडर जो है वो इन्वाइट करता है उन पेरेंट्स को और उनकी ग्रिप को डिसप्रूवल ऑफ शोई सिली एंड मलकर बैन कोटिंग दियर डॉटर के वो ये शो करना है, है कि वो इस आदमी से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते लेकिन यहाँ पर सिंपल uh, है ये कंपोनेंट ऑफ uh, uh, का रीडर जो है उसने कोई uh, इन लोगों से कुछ भी नहीं सीखा जैसा कि स्पेसिफिक ग्राउंड्स फॉर देयर ग्रांच दिस स्टैंड इन फॉर पेरेंटल अथॉरिटी सेल्फ उनके साथ खड़े हो रहे हैं ज़्यादा ब्रॉडर सेंस में हम देखें तो जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास पावर होती है देट वुड कंस्ट्रेन सेक्शलिटी वो चाहते यही हमेशा चाहते हैं कि शादी के साथ सारा कुछ हो उसके बाद हमारे पास है सेक्स एंड चौच दो जो स्पीकर हैं वो चैलेंज करता है मैरिज को एस एन इंस्टीट्यूशन वो इस्तेमाल करता है अथॉरिटी ऑफ चर्च को uh, uh, अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए इस तरह जो पोइम है वो अच्छी तरह से सजेस्ट करती है कि सेक्स uh, जो है जस्ट फॉर प्लीज प्लेयर उसको एक्सेप्टेबल नहीं करना चाहिए बट कैन बी थ्रू होली एक्ट चर्च के जरिए होनी चाहिए शादी के जरिए होनी चाहिए फ्ली जो है ऑफर अलूड्स टू क्रिश्चन ट्रेडिशन इन बोथ इस कॉन्टेंट और फ्ली जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया है इसमें क्रिश्चन कॉन्टेंट और फाम को जब वो लड़की जो है वो मार देती है उसको फ्ली को तो स्पीकर जो है वो कहता है कि उसके नाखनों पर उसका ब्लड लग गया है उस मासूम का ब्लड लग गया है स्पीकर जो है यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि वो क्रिश्चन जो वैल्यूज़ है सेक्सुअलिटी के अगेंस उसके ख़िलाफ़ जाए और लेकिन उसकी जो सोच है वो हमेशा क्रिश्चन के जो रेफरेंस है टेम्पल्स है चर्च है उनके अंदर ही रहती है और उन कैटेगरी के बा, की तरफ वो बार बार दौड़ कर जाता है और वो कहता है कि ये चीज़ें जो है वो गुनाह है इनोसेंस को मारना चाहिए तो इससे जाहिर होता है कि जो स्पीकर है वो अपनी वैल्यूज से अपने चर्च से अपने टेंपल से या जो एक टाई होता है मैरिज का कोर्टशिप का उससे फरार नहीं हो रहा वो सिर्फ कोशिश कर रहा है कि वो देखे कि बड़ी सेक्स और उसके आइडियाज़ क्या होते हैं है? वैदर इटि और होलीनेस के बारे में जो कि स्कर्ट करेगा उनको इकट्ठा कर उसके बाद हमारे पास है क्रिटिकल विद क्रिटिकल कॉमेंट्स पूरी एक्सप्लेनेशन है कि द फ्ली जो है वो रिवील्स करती है डन का एप्टीट्यूड टू टेक कंट्रोलिंग इमेज उसने बैटर फॉर यूज़ किए हैं टू सिचुएशन डन हाउ वो एक दरख्वास्त करता है फिजिकल यूनियन की जो कि नेसेसरली एक स्पिरिचुअल लव है पोइम के अंदर जो डायरेक्टर है वो एडवाइस करता है अपनी मिस्टिस को कि वो एक टेक आ गनर एट द फ्ली वो फ्ली एक की तरफ देखें उनके बिफोर दैम एंड टू डोट और देखे तो डो 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 कि वो कितनी छोटी है एंड शी रिफ्यूट ही बो से फिर इनकार कर देती है पोइट फिर रिक्वेस्ट करता है कि वो दोबारा देखे उसको फ्लाई को जो कि दोनों पर जो है वो बदला रही है और, और फिर वो कहता है कि मार के दिस फ्ली फ्ली को दोबारा देखो वो उसे चाहता है कि वो नोटिस करे कि उनका जो है वो फ्ली की बॉडी के अंदर जो है वो बिगड़ हो चुका है जिसने बाइट किया था दोनों को फिज़िकल यूनियन जो लवर की होती है जो यहाँ पर पॉसिबल हुई है एक फ्ली के जरिए क्योंकि जो बिलवड थी उसने अलाउ नहीं किया अपने लवर को इस काम को कम्प्लिश करने के लिए लेकिन फ्ली ने पहले सक किया पोइट के ब्लड को और फिर उसके ब्लड को शिफ्ट कर दिया उसकी अपनी बॉडी के अंदर फिर उसकी बिलाविड को और इस तरह से वो दोनों जो है मिलाविड और जो उसका लवर है वो अपनी बिलविड को कहता है कि तुम्हें ये बात समझ आ जानी चाहिए और ये उसने कहा कि ये एक सपोज टू बी अ ब्लड परसन कंसर्न गोट बिगर इसका मतलब ये है कि उसकी वर्जिनिटी जो है वो लॉस हो चुकी है परसाई ख़त्म हो चुकी है फिर लवर जो है वो अपनी बिलविड को वो करता है uh, uh, वो कहता है कि बिफोर इन्जॉइंग द प्लेयर ऑफ मेरिटल लाइफ फ्ली ने ये सारा कुछ कर दिया है उस उसने कोई कोर्टशिप नहीं की वाई वही आर शिप फिर वो कहता है कि वो रुक जाता है पोइट स्टॉप बिलाविल वो उसे रोकता है कि अब तुम इस फ्ली को ना अगर तुम फ्ली को मार दोगी तो इस तरह से तीन लोगों का मर्डर हो जाएगा और क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर जो मर्डर होता है वो कोना होता है तो फिर ये काम नहीं करना चाहिए और वो कहते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट है उसने भी जो है सुसाइड को हराम कर दिया है और क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर वो जो सुसाइड करते हैं उनको एक सेक्रेड बरियल नहीं मिलता वो उससे डिप्राइव रहते हैं उसके बाद फिर वो कहता है कि तुम तुम रुक जाओ अपने जो ना है, उनको स्मर ना करो Uh, उनको जो है उनको नगो फ्ली के इनोसेंट फ्ली के खुद के साथ और वो कहते हैं कि ये एक सीन है फिर उसके बाद कंक्लूजन उसने कहा है कि फ़्ली इज़ द लॉन्ग लाइन ऑफ सिक्सटीन सेंचुरी पोइम सिक्सटीन सेंचुरी की पोईम है लॉन्ग पोईम है यूजिंग द फ्ली एज अ सेंसल इमेज यूज़ किया है और उसके बाद इसको डिराइव किया गया है एक ओल्ड पोइम ऑफ ओविट से डांस ओरिजिनेलिटी एंड इंटेंसिटी मेक्स इट अ पावरफुल लैरिकल पोइम है उसकी औरिजिनेलिटी की वजह से फ़्ली हैज़ आल्सो बी द सब्जेक्ट ऑफ लव पोइट्री का भी सब्जेक्ट इसके अंदर है आल दो जो फ्ली है वो एक लव पोइम नहीं है द आर्ग्यूमेंट यूज बाई द पोइट इज दैट द फ्ली हैज अ फ्री एक्सेस टू द बॉडी ऑफ मिस इज डि द लवर आखिर में उसने यही कहा कि फ्ली जो है वो फॉर्चुनेट है वो लकी है कि फ्ली इट हैज क्विक क्विकस एंड फ्री एक्सेस टू द बॉडी ऑफ दिट्रे बिस्ट्रेस लेकिन जो लवर है उसको उसी बॉडी तक जो है वो एक्सेस नहीं है तो ये सब हाव हमारे पास लव पोएम भी है इसका सब्जेक्ट लव भी है बट इट इज़ टोटली अबैट अ फिजिकल पोएम दैर्स ऑल फॉर टूडे आई होप की लेक्चर आप लोगों के लिए फॉर रहेगा